एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लक्षण मम्मी के उज्ज्वलस लाइफस्टाइल। और आ गई हूँ मैं घर पे। और सबसे हाय, ये मेरे फकीर दादा, राजा दादा, सचिन दादा, मनीष, लक्षु, और उधर पप्पू दादा है, और अंदर सारी लेडीज गैंग है, सीमा वहीनी, और फिर मम्मी अंदर है, और कौन कौन है देखो। आज ये मेरी अर्चना वहीनी, रानी वहीनी, रानी वहीनी की बहन आई थी निशा, और बहुत सारी चिल्ला पार्टी। मम्मी और मयूरी वहीनी अंदर किचन में काम कर रहे हैं और हो रही है बर्थडे की तैयारी। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि स्ट्रेस मत ले भाई, मैं हूँ ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब प्रिपेयर करके आए थे। बट इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था जो मनीष के साथ हुआ है, वो अभी आगे आपको पता चलेगा। पहले काटते केक। वो ग्रुप बड़ा है। नहीं चल चला सो जैसे कि आपने देखा कि केक कटिंग हो गया, अभी केक खिलाने का काम चालू है। सब केक खिला रहे, और वो सचिन दादा का छोटा लड़का है जो पापा के बाजू में बैठा है, तो उसका भी दो दिन पहले बर्थडे था, तो साथ में उसका भी केक कटा है। और गिफ्ट देते वक्त ये पता नहीं किसने पैसे दिए थे किसने नहीं दिए थे, लेकिन मस्ती मजाक करते करते एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, मस्त टाइम पास हो रहा था। और हम लोग सब रहते हैं ना, तो मेरे भाई लोग रहते हैं, तो बहुत हंसी मजाक वगैरह बहुत होता है। तो एक ने गिफ्ट दिया था वॉच, और दूसरे ने फ्रेम कि बर्थडे हो चुका है, और अभी सब बैठ रहे खाना खाने के लिए। और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब खाना खाने। ए लक्ष्य बैठ जा दादा लोगों के साथ, उनके गोदी में नहीं बैठना है। अरे मैं उसको चिल्ला रही थी। और राजा दादा भी बैठा है इधर। अरे अर्जुन भी और अर्जुन लोगों को बसू शक करना। अरे कोई नहीं, गाइस आज पापा को ना R15 गिफ्ट मिला है। अभी डायरेक्ट यहाँ से अलीबाग ही रोकेंगे बोल रहे विदाउट हेलमेट, और जो कपड़े वही चेंज भी नहीं करने वाले। बिंदास बर्थडे हो गया खत्म 12 बजे। अरे पीछे लगा ऑलरेडी बिना चलाए। अभी चलाने के बाद क्या होएगा? आराम से बस। उसने अभी देखा नहीं, फोन उधर फेंक के आएगा वो। सो हो गई मस्ती मजाक और हो गया बर्थडे खत्म। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे वहीनी लोगों को छोड़ने नेहरुल। तो अभी हमने सोचा हम लोग भी ऐसे एक राउंड भी मार के आ जाते, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। और हाईवे पे कुछ ट्रैफिक विफिक तो इतना कुछ दिख नहीं रहा। और ये रहे हमारे जख्मी इंसान जो कि हिम्मत नहीं हारते हुए भी गाड़ी चला रहे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं हुआ, बट वो भी एक बड़ा ही ये था, तो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। अभी के लिए चलो चलते। म्यूज़िक चालू था इसीलिए मैंने वॉइस ओवर लिया है, और अभी वॉइस ओवर के टाइम पे लक्षु बड़बड़ कर रहा है बीच बीच में, आपको समझ आ रहा होगा। और ये बेलापुर के पहाड़ पे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर देखो, गोल्डन लाइटिंग की वजह से कितना सुंदर दिख रहा है।
और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसे मंदिर पे, ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत अलौकिक तेज ऐसा लग रहा है। बाय 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 कर बाय 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 लक्ष्य बाय कर बाय कर चला लक्ष्य चला तो अभी हमें मन कर गया आइसक्रीम खाने, तो आ गए हम लोग नेचुरल्स, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई और रात में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। नेचुरल्स में हमेशा की तरह गर्दी 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 है और हमने लिए 3 अलग अलग फ्लेवर हम तीनों के लिए। और ये रहे देखो मेरे दोनों धुलंदर खड़े आगे मेरे लिए राह देखते, और मैं ले जा रही हूँ पार्सल वाले बन के इनके लिए आइसक्रीम। फाइनली गाइज ये ले लिया हमने पार्सल और अभी जा रहे हैं घर पे, और घर जाके खाएंगे, गाड़ी में नहीं खाएंगे, मतलब फुल कपड़े उपड़े निकाल के फिर खाएंगे। और हमारा फेवरेट नेचुरल्स है, नेचुरल्स, ओ माय गॉड माय फेवरेट, ओ माय गॉड। और रात में भी आज रौनक दिख रही है ना हमें, हाँ दीवार, बाप रे मार्केट में जो गर्दी है शॉपिंग के लिए, ओ माय गॉड, इट्स लाइक मुझे तो लगता है अभी क्या बोलूँ, दिवाली के लिए इतना गर्दी है, अनलिमिटेड गर्दी, लोग शॉपिंग करने के लिए इतना। लक्ष्य को चिकन लॉलीपॉप चाहिए, मालवंदर का देखा ना उसने, इसीलिए बोल रहा। और ये देखो आइसक्रीम खाने के लिए, मसाला दूध पीने के लिए, और यहाँ पर क्या रहता है फालूदा, तो ऑलरेडी देखो एक खिड़की खोला उसने, अच्छा खिड़की बंद कर बंद कर बंद कर। देखो अभी रात तक कितनी देर, रात तक सारी दुकानें खुली है क्योंकि यस दिवाली, अभी उनका भी कमाने का टाइम है, वैसे तो उनके साल के 12 महीने कमाने का टाइम होता है, लेकिन दिवाली जो होता है वो दिवाली ही होता है। और गणपति मंदिर बंद हुआ, हाँ हो गया, ओम गणपति नमः। जूस वाले भी रात तक है, ये रही हमारे आइसक्रीम और दो वॉफल कोन। ओ रुको रुको रुको, मैं दे दूंगी लक्ष्य, दो मिनट वेट। सो हमारा 3 फ्लेवर है, तीनों का अलग। So this one is Lakshya's, जैसे आप देख सकते हो choco bites. This is Manish's, it's केसर पिस्ता, and this is सीताफल, my favorite. So let's now लक्ष्य को स्कूप बना के देती हूँ। तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ ऐसा, मैं स्कूप कप में लेके आती हूँ और वॉफल कोन साथ में लेके आती हूँ, क्योंकि वॉफल कोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं आइसक्रीम खाते खाते वॉफल कोन को तोड़ तोड़ के खाती हूँ, दैट्स माई स्टाइल एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। मनीष थोड़ी देर में खाएगा, और मनीष के साथ हुआ है आज बहुत बड़ा हादसा जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, पहले आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो लक्ष्य ने थोड़ा खाया और मेरे को दिया है, मेरा सीताफल भी बचा है, और मनीष खा रहा है उसका केसर पिस्ता। तो मनीष के साथ जो हुआ मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, आगे हो गया और मुझे जो बताना था वो मैं बताती हूँ। सो एक्चुअली हुआ क्या, हम जब खाना बना रहे थे तो जो मसाला बना के हो गया था तो वो थोड़ा दरदरा था, सो मनीष उसको प्यूरी करना चाहता था, पर वो गर्म था और मनीष को वो सूझा नहीं कि उसको ठंडा करके फिर पीसना है, फिर डायरेक्ट मिक्सर में डाला और हीट के वजह से ना एक वैक्यूम तैयार हो गया वो मिक्सर में, जैसे उसने चालू किया मिक्सर तो पूरा सब कुछ उड़ के आ गया उसके ऊपर, पूरे किचन में सब जगह, तो उसको इधर से इधर तक ना पूरा मतलब बर्न हो गया, मतलब ऐसा बर्न नहीं बहुत लाइट बर्न, लेकिन उसकी वजह से उसको जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पर स्पॉट्स पे ऐसे बर्न हो गया बहुत, मतलब आई वॉज शॉक्ड, मुझे बताया भी नहीं, और मैं सब साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि अभी जाना है मम्मी के पास, सब खाना हो गया था बस वो प्यूरी करना था, तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा ये सब करने में लग गई, और ये अचानक किचन में से निकला और नहाने चला गया, तो मुझे लगा अच्छा काम हो गया इसीलिए नहा रहा है,
फिर बोला अरे लक्ष्यू को किचन में मत भेज। तो मैंने बोला क्यों क्या हुआ? तब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तब तक बताया भी नहीं था। फिर मैंने पूरा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारे बर्तन सब क्लीन करके ली, पूरा किचन कट्टा सारे बर्तन क्लीन करके ली, जितने धोएले बर्तन थे वो फिर से धोई। लेकिन ये सब का टेंशन नहीं, टेंशन इस बात का है कि इस लड़के ने ऐसे करके लिया। रुको मैं इसको नज़दीक से आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिखाती हूँ। अभी वो क्रीम लगा रहा है, देखो इधर रेडनेस, ऐसा रेडनेस आपको दिख रहा है ना, वो ये नहीं आया है, ये थोड़ी थोड़ी जगह पे आया, जैसे यहाँ पर एक जगह पे है, दो तीन जगह पे, और यहाँ पर दिख रहा है आपको, रुक यहाँ पर बस, और ये सबसे बड़ी, ये देखो ये लड़का ना सच्ची में मेरे को इतना डरा दिया था ना, लिटरली मैं इतना डर गई थी ना, मैं कभी इतना नहीं डरी, इतना डर गई थी लिटरली कि मतलब डर लगता है ना, किस क्यों भी डर लगेगा यार, छोटी मोटी चीज है क्या जलना, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। सो ये हुआ। सो अभी तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पहले जैसे ही जला तो उसने पहले नहाया, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हीट नहीं पहुँची स्किन पे, जलन कम हुई। और उसके बाद फिर मैंने तुरंत कोलगेट लगा दिया था, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, ये तो ज़रूर याद रखना। और बर्नॉल मेरा मिल नहीं रहा था, बर्नॉल ने तो हमेशा मेरे अपर रहता, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर अभी उसने लाया है डॉक्टर से पूछ के, और वो एक दो दिन में पूरी तरीके से हील हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फेस पे उधर नोज के इधर ही लगा है, और चेस्ट पे मैंने बोला ना इधर डॉट्स लगे तीन चार, और इधर थोड़ा सा इतना बड़ा, वो भी रैश जैसा, ऐसा ये नहीं हुआ है, मतलब पानी नहीं हरा है। सो आई एम सो हैप्पी कि उसको ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मैंने देखे है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक जाता है, बट आई एम सो हैप्पी कि उसको बहुत कम में ही हो गया। बट मुझे ये तकलीफ है, अभी मैंने उसको बोला है आराम से सो, ए सी लगा दूँ तो वो ठंडक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा ऐसे जलन नहीं होगी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे आपको मैं खाना बनाते हुए मुझे तीन चार बार, बहुत बार जला है, तीन चार बार क्या है ना, खाना बनाने का छोड़ो, पटाखों से जला है मुझे, बहुत सारी चीज़ों से जला है, तो मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि कैसा होता है, कैसे जलन होता है, कितनी तकलीफ होती है। सो मैं खुद पे जो बीती है उस पर एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि कितने दिन तक वो जलन रहता है, पानी भर रहा था, बट आई एम थैंकफुल कि उसको कुछ पानी ना, मैं तो शाम को जब ये हुआ तब से प्रे ही कर रही हूँ भगवान को कि पानी ना भरे, पानी ना भरे, और थैंकफुली नहीं हुआ है। सो क्या अरे वो उसमें यार क्या तू, इसको ना मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है, किसी को इतना लगा है क्या हुआ है, इसको कॉमेडी सूझ रही है, इसको बिल्कुल टेंशन नहीं, दर्द नहीं, आप में से एक आंसू नहीं, मैं तो पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देती अगर ऐसा कुछ होता, इसके आंसू नहीं, इतना काम पर्सन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अभी मैं फेस वॉश कर ले, तो ये लिटरली मुझे इतना इतना काम है ना मनीष, इतना काम कि उसको बिल्कुल भी ये नहीं है, और वो खुद को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, मेरे से तो ना होए, मैं तो पूरे खुद तो रोऊ हूँ और 50 लोगों को, और मनीष इधर ठीक से नहीं लगा दे, अरे उधर रेड हुआ है पूरा, रेड होगा ना, लग तो नहीं हुआ, अरे चुप रे, ये खाने का बिल्कुल, देखो खाना है वॉफल कोन, मैं नहीं पकी, इतना महंगा वॉफल कोन है, नहीं तो अभी हम खा के सोएंगे, ये डकार ले रहा है मेरे बाजू में बैठ के, ये लड़का गधा, लक्ष्मी दे देख। सो दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और लक मनीष के लिए बहुत सारा कुछ ऐसे टेम्पररी इलाज विलाज होगा तो वो भी बताना, और बहुत सारा प्यार भी देना उसको, और बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि जल्दी से जल्दी उसकी स्किन का पूरा सब ठीक हो जाए और उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। That's it. So bye guys, peace out.